बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सा दाल पालक, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, उसमें जो भी टिप्स वगैरह बताए जाते हैं ताकि वो आपके मिस ना हो और आपकी रेसिपी जो है परफेक्ट बने। एक कप ही मूंग की दाल है पीली वाली, इसको मैंने धो के और उसको भिगो दिया था, ठीक है। पालक है, तकरीबन 2 कप कटा हुआ पालक है, ये हम लास्ट में डालेंगे। ये प्याज है, आधी प्याज है, आधी मैंने भगा के नहीं रखी है, एक नॉर्मल साइज की प्याज ली थी। 1.5 टीस्पून नमक है, नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, और ये गोल मिर्ची बघार के लिए, और ये आधी प्याज मैंने बघार के लिए रखी है। सारी दाल मैं पतीले में डाल दूंगी। दाल के गलने के लिए थोड़ा हम पानी डालेंगे, बस इतना पानी हो, ज़्यादा पानी ना हो। ये प्याज मैंने डाल दी सारी, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी और ये लाल मिर्च। अब मैं दाल को गलने के लिए रख रही हूँ, नमक और पालक लास्ट में डालेंगे हम। दाल जो अब गल चुकी है, बस अब मैं इसमें नमक डालूंगी और पालक डाल के इसको 5 मिनट तकरीबन मैं पकाऊंगी। बस ज्यादा डाल के पालक ना पकाती नहीं है। पालक डाल के मैंने तकरीबन 10 मिनट इसको पकाया है, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको बघार लगाऊंगी। बघार की प्याज ब्राउन हो गई है, अब मैं ये गोल मिर्ची डाल के दाल पालक हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा ये सुंदर सुंदर दाल पालक बना है। ये आप चावल और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और गर्मियों में तो ये ऐसे लाइट खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।